माशाल्लाह। अस्सलाम आई सडनली तो सर, अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरा जेट लग हो वालेकुम गया भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाबे वाला, सर जी, अस्सलाम सत श्री अकाल जी। जी आया नो, आज फिर हैट्रिक हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम पिक्चर शो तो क्या हो गए हैं जी, हो रही है। अच्छा वालेकुम अस्सलाम जनाबे वाला, साडे नाल माशाल्लाह हीरोज पास हो रहे ने। हीरो साडे अली पतेंते दे वेखो ना, हीरो माशाल्लाह, वेखण च भी शहजादे, पढ़न च भी शहजादे, अगे वधण च भी शहजादे। साहिल वसीम साहब माशाल्लाह वेरी नाइस पर्सनैलिटी, नईम शहजाद साहब वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और मोहम्मद आसिफ साहब वेरी नाइस ब्रदर साडे। स्टूडेंट्स तुसी देख रहे हो, हेलो जी, जेडे दोस्त पास होए ने इन्हां नूं विच दो साहब इंटरव्यू च आ चुके ने, असीं दिल खोल के मुबारक देंगे जेडे साहब आए ने। मैं इन्हां दा नां अनाउंस कर दिया, जनाब साहिल वसीम साहब ने पाकिस्तान इस्लामाबाद इटली विचेंसा शहर तों इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्यूरी पास की माशाल्लाह। दूसरे दोस्त ने शहजाद नईम साहब, ये भी अज पास होए ने पाकिस्तान गुजरात और इटली उलजाते कोमो शहर का कोई पिंड है जी। तीसरे साहब ने जनाब मुहम्मद आसिफ साहब पाकिस्तान खुशाब और इटली अनकोना शहर। तीन स्टूडेंट अज की तारीख च पास होए ने अज। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने साहबा मेरी तरफों कंग्रेचुलेशन जी, वधाइयां अगूरी, मुबारक जी, मुबारक वीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मुबारक देंगे साढ़े नाल साहिल साहब लाइव इंटरव्यू बैठे ने, दूसरे दोस्त आ रहे ने नईम शहजाद साहब, दो दोस्त आज पहुंच गए इंटरव्यू च। बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन जी जनाब साहिल वसीम साहब नु, वेलकम नाले। थैंक यू सर। सुनाओ साहिल भाई, कैसा रहा तुहाडा एग्जाम? आज सुबह पहला छक्का तुसें ही मारिया सी, सुबह फिर 12-1 बजे तक दूसरे साहब पास होए ने, हुण अद्धा घंटा पहले नईम साहब का मैसेज आ गया कि जनाब मैं भी पास हो गया। जनाब साहिल साहब सुनाओ, कैसा पेपर कैसा आया तानू जी? सर जी देखो, मैं तो गया था ना, बिल्कुल मेरी सोच यही थी कि यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा ना, तो लेकिन जब मैं जा एग्जाम में बैठा हूँ तो आपकी बातें वही ना जेन में आ रही थी कि बिल्कुल जाके रिलैक्स होके बैठना है और वो कुछ टेंशन नहीं लेनी, तो मैं जाके आराम से बैठ गया। जब पहला क्वेश्चन आया ना तो मेरा वही आप वाली बात भाई, जो है ना सेंटर में आके वो बंदा जो है भाई बंदे अपने स्टूडेंट को फंसाता है, तो मैंने वही स्टार्ट से देखा और लास्ट से देखता गया, तो वही जो आपने निशानियां टिप्स वगैरह बताई भी थी वो मैं करता गया, और यकीन करें मैंने 6 मिनट और 22 सेकंड में जो है वो अपना एग्जाम मैंने खत्म कर दिया था। अच्छा जी, 6 मिनट 22 सेकंड में जनाब साहिल साहब ने कंप्लीट कर लिया, और मैंने रिपीट भी नहीं किया। और मजे की बात आपको मैं बताता हूँ कि मेरे ना बैग पे खड़ी हुई थी टीचर जो है की तरफ से, तो वो मुझे कहती है कि कर क्या रहे हो तुम, कुछ समझ आ रही हो? कहती है मुझे, मैं इटालियन, मैं टीचर हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन सा क्वेश्चन तुम किस टाइम आगे कर रहे हो। मैं कहा देख ले, अगर मैं पास ना हुआ तो मेरी बात है। अच्छा, वो मुझे कहती है आराम से, मजाक के तौर पे कह रही थी या थोड़ा सा वो उसको ताज्जुब था कि क्यों क्लिक कर वो रहे? उसको यही था कि इतनी जल्दी करे जा रहा वाला, कि मेरे साथ 9 बंदे और भी थे तो वो सारे आराम आराम से कर रहे थे और मैं सबसे पहले जो है 6 मिनट 22 सेकंड में करके मैं उठ के बाहर आ गया। अच्छा जी माशाल्लाह, आप 6 मिनट के बाद 22 सेकंड के बाद उठ के उसको ऑफ भी कर दिया? हाँ जी, ऑफ करके क्यू दे एग्जाम करके तो बाहर निकल आया हूँ। अच्छा बहुत शानदार, आप पहले स्टूडेंट थे जो उठे कमरा इम्तिहान में से? हाँ जी, सबसे पहले मैं उठा हूँ। माशाल्लाह, देखो जी अली पतेंते के स्टूडेंट कैसे नजर आते हैं। और मजे की बात जी, बस वही मेरा तो वही आपकी बात ही वो दिमाग में बैठी हुई थी, फर्स्ट और लास्ट देखता गया मैं, कहा चलो जी जान दियो जान दियो। अच्छा बहुत नाइस, एग्जाम ओवरऑल कैसा था साहिल भाई? अच्छा जी,
थोड़ा सा नेट का इशू है। मैं अभी तक तो एडमिशन लिया हुआ था ना पहले। अच्छा जी, तो वो अब सुबह जो है वो मुझे उसने टीचर है मेरी, उनको मैंने कहा था तो मुझे कह रहे थे कि आप सुबह आ जाना तो मैं आपको दे दूंगी जो है ना फोलियो रोजा भी और दूसरा जो है उसका जो भी मैं टेस्ट दे के आया हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे पास यही पड़ा हुआ है, ये जो मैं दे के गया था इसके ऊपर ये जहाँ पे उन्होंने लिखा है ना कि भाई प्रोमोसो, बस यही एक पड़ा हुआ है अभी। हेलो जी नाजरीन, आप देख रहे हैं ये पेपर है और नीचे उन्हें सिग्नेचर की है। हाँ जी हाँ जी, 11 मार्च 2021 माशाल्लाह। तो इसके ऊपर कोई ऐसा लफ्ज भी लिखा है साहिल भाई जिससे आप कह सकते हैं कि पास होने के लिए लिखा गया है? हाँ जी दियो ना लिखा हुआ है ना मतलब प्रोमोसो। अच्छा ठीक है जी। तो वो उसी टाइम उन्होंने कह दिया था कि आप जाके स्कूल से अपना फोलियो रोजा ले लें। ठीक है जी। तो वो और तो बात ये, मैं अभी अपने स्कूल गया भी था तो टीचर वहीं पे थी तो मैं उनको केक भी दे के आया हूँ। मुझे कहती है बड़ी खुशी हुई आप पास हुए हो। मैं कहा केक आपका बनता नहीं है, केक मेरे सर का बनता है जिनकी वजह से मैं पास हुआ। माशाल्लाह आपको देता हूँ। चले आपने कह दिया हमारा हो गया जी माशाल्लाह। अच्छा जी अच्छा, हमारे साथ लाइन पे अब तो सर जी है भी, वो क्या कहते हैं ना की खिदमत करते, आपकी मेहनत थी हमारे जो हम अभी पास हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी अल्लाह। अच्छा साहिल भाई, कितने टाइम में आपने कवर किया ये सारा? समझ नहीं आई सर आपकी आवाज कटी है। मैं कह रहा था कितने टाइम में कवर हो गया सारा, मतलब जब से मैंने आपके पास एडमिशन लिया था? जी जी 3 मंथ में। 3 मंथ में क्या पढ़ाई का तरीका था आपका? मैं सर जी मेन जो मेरा तरीका, हर एक को कहते हैं हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना होता है, लेकिन मैंने वही आपकी जो टिप्स थी वही अपने दिमाग में मैंने बिठा ली थी कि जो सर ने कहा हुआ है ना वही करना है, जो मेन चीज है उसको क्लिक करना है मैंने। अच्छा जी, तो मैं तो वही आपकी टिप्स लेके बैठा, बस उसी के जरिए अल्लाह का शुक्र है मैं पास हुआ। और एक ये है ना कि आपकी जो निशानियां दी हुई थी ना वो भी बहुत काम आई है मेरे, अल्लाह का शुक्र है आज। अच्छा, पेपर में निशानियां आई थी मैं ये पढ़ाई और किस मामले को प्रॉब्लम ते नहीं आ रही सर नाल? ऐसे भी स्टूडेंट क्लास चाहे ने इंटरव्यू च जेडे के पास हो चुके ने, शोक नाल नजीर गुराया साहब ने, नमस्कार जी वंश भाई ने, माशाल्लाह जी वेलकम है नानू, बहुत वेलकम। वंश भाई सुनाओ तुहाडे गुविदे कैसे जा रहे ने? ਸਰ ਜੀ ਗੁਵੀਦੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫੋਲੀਓ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਜੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੋਮਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ। ਸਵੰਸ਼ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਐਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲੀ ਭਾਈ। वालेकुम अस्सलाम साजिद हुसैन साहब, क्या हाल है जी? सर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर, माशाल्लाह जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही ताड़ी पढ़ाई जी? पढ़ाई सर बड़ी अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है पढ़ाई, बस सिर्फ हम खुद टाइम इतना नहीं जो है ना वो दे पा रहे। एक क्लास जो है ना बड़ी मुश्किल से एक क्लास ही मैं जो है ना वो शाम 6:30 वाली पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कोशिश है कि जो है ना एक और क्लास भी ली जाए, लेकिन वो टाइम बन नहीं रहा, कुछ इश्यूज हैं फैमिली के, बच्चों के और भाग दौड़ सारा करना होता है, तो एक क्लास ही जो है ना वो जा रही है। लेकिन ये इरादा है कि एक क्लास जो है ना वो आपसे भी इसी सिलसिले में मशवरा करना है कि अगर मैं दूसरी क्लास पढ़ना चाहूँ तो कौन सी वाली बेस्ट रहेगी टाइमिंग के हिसाब से, और जो यानी मेरी रिविजन भी होती रहे साथ साथ पीछे से। आज जो है ना ये चैप्टर 9th हमने शुरू किया है। देखें जी, क्लासें इस हिसाब से आप मैनेज किया करें कि अगर आप दो क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट जगह से शुरू कर दें, ताकि वो दोनों क्लासेस चलती रहे और एक टाइम में आपकी बुक कंप्लीट हो जाए। मसलन एक क्लास आप चैप्टर 2-3 से शुरू कर लें और दूसरी 14-15 से शुरू कर लें, दोनों क्लासेस चलती रहेंगी तो एक टाइम में बुक कम्प्लीट हो जाएगी। हाँ जी, तो इस तरह है।
हेलो। हाँ जी सर, सत श्री जी अकाल। मनजोत कुमार साहब, सत मनोज, श्री अकाल जी। मनोज अस्सलाम सर, मैं वालेकुम कल तो शुरू किया। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई जी। मनोज भाई कुछ कहन लगे सी? मैं कल तो शुरू किया अच्छा ते मतलब उदे मैं कितना टाइम देना पड़ेगा? जी। मनोज तुसी क्लास एक ले रहे हो डेली एक दी? ले रहे हैं 6:30 वाली। 6:30 वाली, ठीक हाँ है। बेहतर तो वे दो क्लासा हो जाए ना जी, क्योंकि मैं देखे अगर दो क्लासा लाने हैं तो 2 महीने ही साड़ा और कोर्स टाइमिंग का थोड़ा कंप्लीट हो चक्कर जाना, पै रहा है सर। ठीक है। अगर एक क्लास भी है तो ये भी ठीक है, तुसी पर तुम कंटिन्यू कह रहे चला हो लियो। अभी ऐप पर जो आ जाना फिर उसके बीच थोड़ी होंगी रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐप जो आंदी है फिर उदे च ते इजी हो जाना जिया। और मैं स्टूडेंट्स नू ये भी दसांगा कि ऐप उन्हां सबां नू दित्ती जाएगी जिन्हां दी फीस कंप्लीट आ चुकी है, ठीक है। ये भी जरूरी है स्टूडेंट्स नू, पहले तू बल्कि मैडम और अगर है ने क्लास तो उन्होंने मैं कहूँगा कि स्टूडेंट नू आगाह भी नाल नाल करो, ताकि एन मौके पे स्टूडेंट कोई नाराज ना होवे कि भाई मनु क्यों ऐप नहीं दिती जा रही, तो ये भी बिल्कुल जी। ठीक पहला हो। मैं सर तुम्हें जी ऐसे तारने पोगे वालेकुम सारी? असलाम आमिर साहब जी। फीस जी दी कंप्लीट आ चुकी है ना जी, ओनू फिर ऐप देती जाएगी और 6 महीने वास्ते ऐप ओदे कोल रहेगी। जिन्हां दी किस्तां ओके। विच अजे कंप्लीट नहीं हुई वो लाइव क्लासां ही लैणगे, जो ही इन्हां दी भी कंप्लीट हो जाएगी उन्हां नूं जिदा ऐप मैं तां इशू हजे हो शुरू जाएगी। कीता ना कल। हाँ अगर तुहाडी भी फीस किस्तां वाली है फिर अजे नहीं, लेकिन नेक्स्ट महीने तुहाडी फीस पूरी हो जानी, फिर नेक्स्ट महीने तुहानूं मिल जाएगी। सर जी मेरी ठीक फीस हो गई पूरी, मेनू मिलेगी जी? हाँ जरूर आमिर सुहेल साहब, तुहानूं जरूर ऐप मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर जिन्हां जी। साहबां दी फीस पूरी आ गई, कैसर साहब वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरी भी होगी फीस पूरी, मेनू मिल जी। अच्छा तुहानूं जरूर मिलेगी जी। अच्छा जी, मैं स्टूडेंट्स नूं बिठाया है और ये साढ़े दोस्त इंटरव्यू वाले ने नहीं ते इन्हां नूं वेलकम करियो, तुहाडी चाहत नाल मोहब्बत वास्ते बड़ा दौड़ के कोशिश करके क्लास आए ने, वेलकम करो अस्सलाम वालेकुम शहजाद। सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक रहिए तो सर। वालेकुम अस्सलाम शहजाद नईम साहब ने गुजरात तू कोमो शहर इटली दा पाकिस्तान गुजरात, शहजाद नईम साहब क्लास च आ चुके ने, इन्हां नू मोस्ट वेलकम जी और जी आयां नू और मुबारकां जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया ते सर जी, तुहानू मुबारक नाल भाई रण भी मुबारक। शुक्रिया जी, खैर शहजाद मुबारक, नईम साहब नू मुबारकां हो जी, स्टूडेंट्स मिलजुल के हुणे आए भाईजान, बहुत बहुत मुबारक होवे ते सर जी तुहानू बहुत मुबारक। आमीन, शुक्रिया जी। तुसीं देख रहे हो मुबारक साडे जी, ना काबिले भाईजान मुबारक होवे, बहुत बहुत थैंक यू सर। सब भरावां नू मेरे तरफों बहुत बहुत शुक्रिया जी, सब भरावां दी मैं रिस्पेक्ट थैंक यू करना। जी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। मैं मेरा कोई अद्द कमाल नहीं, मेरे उस्तादां दी मेहरबानी है, उन्होंने बहुत मेहनत कराई। जज़ाकअल्लाह नईम साहब, अचानक तुहाडा मैसेज आया शाम नूं, शायद पेपर सुबह होया सी लेकिन पता तुहानूं मेल, शायद मेल दे ज़रिए रिजल्ट पहुंचिया तुहाडा। सर जी असल जी मेरे नाल थोड़ी जी ट्रेजेडी हो गई सी कि इक तां पहली गल है असीं मसनत जीलर आ, ठीक है ते जी। साडे कोल जिहड़ियां सजोरां 6-6 महीने दीआं वैलिड हुंदीआं ने, मेरी सजोर खत्म होई सी तकरीबन 2020 दी अगस्त विच, 13 अगस्त तों खत्म हो गई सी। ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਗਲਬਨ 20 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ? 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਸਤੂਰੇ ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਜੋਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਯਕਦਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜੋਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾਏਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੱਥ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਹੱਥ ਰੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨੀ, ਬਾਕੀ ਲੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਬਨ 12-13 ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਅਗਰ
ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਪ ਦੇ ਕਰੇਂਗਾ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਕਿੱਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਸੋਰੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਚੈਪਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਹੀਂ ਸਨ, 15 ਨਹੀਂ ਸਨ, 3 ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ ਸਨ ਟੋਟਲ, ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਚ ਤੇ 13ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਚ ਪਏਗਾ? ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਜੋਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਚੈਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ 8-10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਕਿੱਪ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ 10 ਗਲਤੀਆਂ, ਕਦੇ 8 ਗਲਤੀਆਂ, ਕਦੇ 12 ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 12 ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟ ਥਾ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ 12-15 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ 15-17 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ 17 ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਇੰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, 26 ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 6 ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਲਿਆਵਾ ਲਾਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਜੁਰਤ, ਜਜ਼ਬਾ, ਵਲਵਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬੰਦਾ।
दिन रात एक करके और आलमोस्ट नईम साहब नौ नौ घंटे कह रहे हो मैं पढ़ता रहा फिर जी बिलकुल सर जी नौ घंटे दस घंटे मैं प्रॉपर जाना ना सिर थक नहीं सी लैंदा तुहाडा सर जी चार मैं क्लासां तुहाडियां लैंदा चार क्लासां अच्छा चार क्लासां तो बाद जो मेरे को टाइम होंदा सी ओदे दौरान मैं अपना जड़ा ना ओदा रिवीजन भी करदा सी उस तो बाद अगर अपनी फैमिली नूं फोन करदा सी हत्ता कि हत्ता तक कि मैं सर जी जिहड़ी अपना खाना दिन दा खाना होंदा सी या शाम दा ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਟੇਕ ਖਾਣਾ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁੱਛ ਤੇ ਦਾੜੀ ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਰੌਣਕ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਂਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੌਬ ਹੈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੈਂਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੋ ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਚਮਕੀ ਜਾਣਾ ਚਮਕੀ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਂਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਾਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਕਮੂਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਬਟਵਾ ਚਾਬੀ ਮੋਬਾਇਲ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਰੱਟਿਆ ਕਾਫੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਟਵਾ ਚਾਬੀ ਮੋਬਾਇਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਟਵਾ ਚਾਬੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਮਾਸਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੋ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਓਵਰਆਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਦਾ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋੜਿਆ ਨੀ ਪੈਣਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹ 80-90 ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 6 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨੇ ਦੇ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਦਫਾ ਗਿਆ ਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੱਢਿਆ 6ਵੀਂ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 5-6 ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੜਾ ਤੜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
कभी दो हो जाते हैं अलहमदुल्ला, कभी तीन हो जाते हैं। तो यकीन करो मैं तो कहना कि दरिया वगदा पिया सारे हाथ धो लो जिहड़ा जिहड़ा पेपर जमा कराएगा उन्हें पास हो जाना जी मैं कहता जी इस बात छे सत पांच छे वाले जाओ जाके डेट लेके आओ पूरा डाटा चढ़िया माशाल्लाह। असि साहिल साहब लावांगे के साहिल साहब तुहाडी पढ़ाई का मोस्टली की तरीका कर रहा है, स्केदे करदे सौ रिविजन करदे कितना टाइम देंदे सी? मैं सर जी लेता था एक तो क्लास सुबह जो है ना आपकी 12:30 वाली, ठीक है जी, और एक क्लास वो, और उसके बाद जो है मैं करता था चार पांच स्केदे जो है ना करता था नॉर्मली इधर ना वेब पतंते पे, और उसके बाद जो है दो चार स्केदे मैं करता था गुइदाए वाई के। ठीक, वो पता है गुइदाए वाई की तो आपने खुद भी बताया था कि टफ है उसकी ना थोड़ा सा, थोड़ी सी टफ है उसमें गलतियां ज्यादा आ जाती हैं। हाँ जी, वो भी मैं साथ साथ करता था, और दूसरी क्लास में लेता था 7:45 पे। ठीक है जी, तो उसमें जो 7:45 वाली क्लास है उसमें मैं सिर्फ आपकी जो टिप्स दी हुई थी मैं वो लिखता था उसमें। अच्छा जी, माशा वो टिप्स अलहदा लिख के फिर वो जो 12:30 वाली क्लास के सारे फिर मिक्स करके इन स्केदों को मैं दोबारा से जो है सारों को जोड़ के फिर स्केदे करता था। ठीक है जी, तो मेरे दिमाग में फिर यही आता था कि यार सेंटर में आके बंदा फंसता है, फर्स्ट और लास्ट देखो। अच्छा जी, मैं कहा सर ने यही बोला हुआ है कि सेंटर में आके बात अच्छी करके पैर लगा के आगे कुछ गलत ही करना है। पिक की ये बात वैसे वाकई जो पिक कर जाता है उसका बड़ी जल्दी ये सफर जल्दी कवर हो जाता है। हाँ जी, और वो कुछ ऐसी टिप्स थी वो जो ऐसे ना अक्वा प्लानिंग वाले में जो आते हैं लास्ट पे जो है वो भी मेरे दिमाग में था, वही क्वेश्चन आया। अच्छा जी, मैंने ऊपर अक्वा प्लानिंग पढ़ा और नीचे आया हुआ था लीजेरी, मैं कहा जान दे मेरे। अच्छा, और उसी के आगे आ गया वो ना टूनल वाला। अच्छा जी, टूनल वाले में भी पता है ना लास्ट पे बिजली दिल फोको फाल्सो है और सेंटर में वेरो है। बिल्कुल, वो आगे आगे मैं क्या ये भी वेरो है इसको भी जाने दो, निशानी आ गई। ठीक, हाँ निशानी आ गई। और वो करके आपने पेपर किया जी, बड़े मैं कह रहा हूँ कुछ चिल किया है कसम से, इतना मुझे मजा आया ना। वो टीचर ने जब मुझे कहा है ना, कहती है मैं नहीं पढ़ सकती तू किस तरह कर रहा है, मैंने कहा मुझे पता है 100% श्योर हूँ मैं। ये नहीं पता हमारे सर अली भाई ने पढ़ाया है। जज़ाकअल्लाह मुश्ताक साहब, ये है कि मेहनत करने के बाद जब इम्तिहान का दिन आता है फिर बंदे को मजा आता है इस तरह। ये यकीन करें, ये देखें, ये मेरी ये पूरी बुक जो है ना, ये जो आपने टिप्स बताई हैं ये सारी वो लिखी हुई है। अच्छा जी, नाजरीन देख रहे हैं कितनी बड़ी बुक है, और साहिल मैं सारी फुल ये देखें, मैं साथ साथ जो जो आप बताते थे मैं साथ साथ वो सारा लिखता था। माशाल्लाह बहुत ज्यादा लिखाई की है जी साहिल भाई आपने। अच्छा, आप लिखते थे तो दोबारा पढ़ने का मौका भी मिलता था, या मोस्टली ऐसे भी हैं कि नहीं पढ़ने का टाइम मिला? नहीं, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन बस वो है ना कि जब टिप से एक दफा टिप पकड़ लिया ना तो उसको दिमाग में बिठा लिया कि यार ये निशानी है ही है। जैसे पुतरे पे आपने बताया था, ऐसी सब मैन पे बताया था, इस तरह की निशानियां काफी थी। माशाल्लाह, और आज सुबह जाने से पहले मैं करने लगा था रिविजन, लेकिन जो है ना फैमिली थी, वाइफ मेरी कहती है कि रहने तो ना करो, जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक दिमाग में रात को मेरे बात आई, मैंने कहा यार प्रिस्टी क्रिस्टियन है कि एक दफा जो है ना वो सारे देख लो भी क्या है। अच्छा जी, तो वैसे ही ना वो एक वो क्या कहते हैं ना कुदरती आया मेरे जेहन में, मैं कहा यार चल चेक कर ही लेता हूँ। चेक किया मैंने तो वो पता है एक ना दिव्य तो क्या है, वो वैसे जाते जाते मेरी आंखों के आगे से गुजर गया, और जाके बैठा हूँ तो छेवा क्वेश्चन वही आया। अच्छा जी, क्योंकि प्रीसिक्रिसियन है, वो आपने भी बताया था ना दिव्य तो ओब्लिगो और ये सारे जो प्रीसिक्रिसियन में आते हैं। हाँ हाँ, बस फिर वहां पे भी मेरे जेन में मैं का सर ने भी बोला हुआ था, और आज सुबह देख के भी आया हूँ यही है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपको रिजल्ट कैसे पता चला साहिल भाई? रिजल्ट अली भाई ये एक तो उन्होंने लिख के दिया है ना ऊपर, ये लिखा हुआ यहाँ पे। अच्छा जी, हाँ इधो ने लिखा हुआ शायद। हाँ, हाँ जी, बड़ी सही नहीं जाती। ठीक है ठीक है, लिखा। हाँ जी, और दूसरा फिर मैंने अपनी जो है वो जिस स्कूल के थ्रू मैंने लिया है ना जो है एग्जाम डेट ली थी, उनसे भी मैंने फिर पूछा, फिर उसने भी मुझे बताया, कहती है प्रमोशन है तो दुमानी वियनी और प्रेंदी जो है फोलियो रोजा ले जाना। अच्छा,
ठीक है साहिल भाई, जो पढ़ाई का जमाना था 3 महीने ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं लगे मुझे, तो खूब मजे से आप पढ़ते थे, मतलब मजा आता था पढ़ के या मजबूरी से बैठते थे? नहीं मैं आपको बताऊं ना सर, मैंने अगर मजबूरी से बैठा होता तो फिर तो बंदा नहीं बैठता ना। हाँ जी मैं मजे से बैठता था और मैं कोई क्लास मिस नहीं करता था, दिल लगता था क्लास, दिल लगता था इसीलिए आता था मैं। हालांकि जो है फैमिली मेरी है वो खाना खा रहे हैं और खाना खाओ, मैं का भी मेरी क्लास का टाइम है, क्लास के बाद अच्छा, खाना छोड़ दिया। देखें जी ये है बाकी दिल लगता है हमारे स्टूडेंट्स का, जाहिर सी बात है दिल लगता है इसीलिए फिर मैं कभी कभी वैसे बैठा बैठा अगर कोई काम ना हो ना मैं यार चल क्लास में चलता हूँ। अच्छा वाह जी वाह, ये बड़ी खुशी की बात है मुझे, बल्कि मुझे याद आया मैं इंटरव्यू में मीडिया पे दूसरे जो दोस्त है हमारे उनका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जब भी वहाँ पे एक साहब ने पूछा कि भाई किन के पास पढ़ते हो, मैंने बताया अली पतंते वाले, तो उन्होंने कहा फिर तू पक्का पास है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया पे, अगर साहब कोई दोस्त हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, अगर आप लोगों का ये वाकई ख्याल है, आप एतमाद करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया और हम आपके एतमाद को इंशाल्लाह कायम दायम रखेंगे। जब तक मेरी ज़ात मौजूद है इस कुर्सी पर, मैं आपके एतमाद को कभी इंशाल्लाह ठेस तो क्या इस एतमाद को इंशाल्लाह दुगना तिगना करूंगा इंशाल्लाह जी। अली पतंते नाम, नाम ही बड़ा पाक है जी, पाक अली, उनसे तो ये सारी खैर आई उधर से रही अल्हम्दुलिल्लाह, नाम को हम इंशाल्लाह रोशन रखेंगे। और नाजरीन आपको पता होना चाहिए अली नाम ही इलम का है, खैर है ना जाने या अली कह के बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बारक है कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, समंदर हूँ और अली उनका दरवाजा है। तो ये नाम की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो भी भाई जाता है पास होके आ जाता है। इवन मुझे नईम साहब से बड़ी खुशी सुन के, कहते हैं 14-15 चैप्टर भी तैयार हुए कि मेरे सामने डेट आ गई, पेपरों ने भी कह दिया कि भाई अभी इस डेट को पकड़ लो, फिर बाद में डेट शायद एक्सपायर हो जाए, वो पेपर एक्सपायर हो जाए। तो मैंने 15 दिन के अंदर अंदर फिर बाकी 15-18 चैप्टर तैयार किए सिर्फ 15 दिन में, आधा लाइसेंस बनता है जी। तो 15 दिन में हमारे इस भाई ने तैयारी की, अभी पास हो गए, इंटरव्यू में आज बैठे हुए हैं। एक तो सर जी आपकी क्लास में मजे की बात ये होती है ना कि आप चैप्टर बेशक मतलब 12वें चैप्टर पे हैं और आगे से आप आगे के 2-4-5 चैप्टर की बात आगे की बताते हैं। हाँ लेकिन उससे आगे जब क्लास बंद हुई तकरीबन मैंने उसके आगे 3 या 4 पेज मैंने खुद ही कर लिए, क्योंकि मुझे वो आपने जो निशानियां बताई हैं, जो मतलब आपने एक तरीकाकार बताया उसमें मेरी तकरीबन आगे भी गलतियां नहीं आई। मतलब है कि आपका अगर एक चैप्टर या कुछ सवाल आप पढ़ लें तो वो आगे 3-4 पेज वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। वैसे ये होता है तवज्जो से बैठने का, तवज्जो से अगर बंदा क्योंकि मेरा ना ज्यादा मुश्ताक साहब इस चीज पे फोकस होता है कि स्टूडेंट को खुद मैकेनिक बनाया जाए कि वो खुद गाड़ी ठीक कर सके, ना कि सिर्फ सवाल ही पढ़ाया जाए। तो जैसे अभी साहिल साहब कह रहे थे कि मैं देखता हूँ सवाल के सेंटर में असल वो खराबी होती है, तो वहां से उसको पकड़ता हूँ, ना एंड पे ना स्टार्ट पे। तो ये चीजें जब स्टूडेंट पिक कर जाते हैं, और दूसरा ना फोकस रखा करें मीनिंग पे, जब आपको मीनिंग आ गए हैं तो इंशाल्लाह वो चैप्टर जो नहीं पढ़े वो भी आप हल करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और दूसरा क्या था कि कभी कभी मिक्स भी स्केदे किया करें, अगर आपकी आधी बुक हुई है तो आप कोशिश करते हैं कि आधी के स्केदे करते हैं आगे नहीं जाते, नहीं मिक्स के किया करें कोई बात नहीं, क्या पता अचानक बात बन जाए। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यकीन कर लें 20 दिन सिर्फ पढ़ने पढ़ाई के 20 दिन मेरे साथ पढ़ा है और वो कह रहे हैं सर जी अब गलतियां 6-7 पे आ गई हैं, तो करिश्मा ही हो गया सर जी क्या करूं मैं डेट ले लूं। मैंने कहा चुपके चुपके ले लो अगर करिश्मा हो गया तो सही, हमें तो पास होना है भाई, चुपके चुपके ले आओ डेट, बताना मत किसी को जी। एक रिक्वेस्ट कर दूं, मेरा कैमरा ऑन हो गया। अच्छा जी नईम साहब का कैमरा ऑन हो गया, दोबारा कांग्रेचुलेशन जी, मुबारक हो भाई नईम भाई, शुक्रिया जी, ये हमारे भाई पास हुए हैं जी, कैमरे का थोड़ा इशू था बहुत खुशी हुई नहीं भाई आपकी, मुझे प्राउड है, यकीन करें आप पर इतनी मेहनत की, जिस तरह आप कह रहे हैं 15-18 दिनों के अंदर अंदर मैंने इसको तैयार करके पतंते वो उसका एग्जाम दिया, बड़ी खुशी हुई।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤੰਤ ਕਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 6-7 ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 6-7 ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਮਾਇਲ ਬੇਕਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਲਾਏ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੂਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੋਈ ਆਏ ਤੋ ਸਹੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਤੋ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਲ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਏਗਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਪ੍ਰੀਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਘਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦਫਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨੀ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਕ ਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 6-7 ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 6-7 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਕਿੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫੌਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਓ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆਏ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 40 ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ 22 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸਨ ਟੋਟਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਸਕਿੱਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਰੋ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਮਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਰ 3 ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ 3 ਸਨ ਉਹੀ 3 ਸੀ ਜੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਤੁੱਕਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਗੁੱਡ 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 ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ
लास्ट तक करांगे और मैं गुजारिश करांगा कि एग्जाम वाले शाम नूं एक दिन पहले शाम तुहाडा एग्जाम है शाम नूं साडे नाल राबता करिया करो मैं कुछ इनफॉर्मेशन कुछ गल्लां बातां करनियां होंदियां तुहाडे नाल बहुत फायदा होएगा एक स्टूडेंट एक दफा गए फेल होए दूसरी दफा गए पास होए मैं नहीं कहना चाहता कि मैं शायद बहुत बड़ा कुछ हाँ लेकिन एक मैं गल कर रहा जिवें कल दे इंटरव्यू च के स्टूडेंट दी अपने उस्ताद नाल एक अटैचमेंट होंदी नईम साहब एक मुहब्बत होंदा है एक खलूस होंदा है और फिर स्टूडेंट का दिल होंदा मैं अपने उस्ताद की हर हर गल नूं फॉलो करा ते वो टाइम भी इस तरह का होंदा एग्जाम वाला उस टाइम फिर जे तुसी मेरे नाल राबता करोगे मैं कुछ गल्लां बातां दसांगा तुसी उन्हूं फॉलो करोगे बड़ा फर्क पेगा मैं गल कर रहा सी कि एक स्टूडेंट एक दफा गए फेल हो गए ते दूसरी दफा गए पास हो गए मैं क्या कि भाई खास फर्क होया कहिंदे ने पहली दफा मैं तुहाडे नाल राबता नहीं सी कीता और जिहड़ियां तुसां गल्लां बातां मैनूं दसियां दूसरी दफा कदी मैं वह गल्लां बातां पहली दफा फॉलो करदा तुहाडे नाल राबता करके जांदा मैनूं उम्मीद सी कि पास हो जाणा खैर जो अल्लाह ताला चाहुंदे ने हुंदा तां उह ही है बहरहाल स्टूडेंट्स ने भी गुजारिश है लास्ट टाइम राबता जरूर कर लिया करो ते दूसरी गल नईम साहब जिस तरह कह रहे थे कि 6-7 गलतियां वाले जाओ जाके पेपर दियो तुसी पास हो जाना है उसकी वजह की है भाई देखो तुसी मोस्टली पेपर नहीं अप्लाई करते ये सोचते हैं कि यार मेरिया गलतियां 11-12 आ रही ने है ना और यार मेरे ते अजे 10-12 चैप्टर ने तुसी जेडे क्रिकेट खेडते ने या वेखते इन्हों पता होना है आखरी जिहड़ियां ने की कहिंदे ने 10 ओवरां च पता किन्ने रन बन जांदे हुंदे ने आम तौर ते पुराना क्रिकेटर जे बैठे आ विच बल्कि माशाल्लाह बहुत सारे 100 बन जाणे हालांकि पिछलियां टोटल ओवर किन्ने हुंदे मन ते वी भुल गए 40 ओवरां विच इंज 100-100 नहीं बनदा कि हर 10 ओवरां विच 100 बने है ना 400 बन गया ते आखरी 10 विच 100 नहीं इंज हुंदा ना पर आखरी 10 ओवरां विच 100 रन बनदा है मेरे भाई ऐसे तरह ही होंदा है जिस वक्त तुहाडा एग्जाम आना है और आखिरी जिहड़े 20-25 दिन होने ने ना उहदे च तुसी 100 रन करोगे इह जिहड़ियां गलतियां पास करा इन्हां नूं तुसी खिच के लियावोगे इह नईम साहब जिंदा मिसाल बैठे ने इह कहिंदे ने कि मैं सिर्फ 12-13 चैप्टर पढ़े ने अगू मेरा पेपर अपलाई हो गया और मैं 18 दिनों दे विच विच 18 चैप्टर कर सड़े ने ते 100 रन की चीज़ है तुहाडे वास्ते इंसान इंसान मेहनत करे और सब नो वड्डी गल है कि जिस वक्त इंसान किसी चीज तो सीखना चाहता है तो अल्लाह तला की रहमत दे नाल अल्लाह तला दे करम दे नाल इंसान करता है मेरे पतंते करन दी मेन बेसिक वजह यह सी कि मैं फैक्ट्री दे विच काम करता सी पिया 4 साल तो मेरा एक्सपीरियंस भी बड़ा सी ते कॉन्फिडेंस होंदा कि मैनू ते नहीं छेड़दे मैनू की करना ने कढ के अच्छा जी लेकिन इह चीज़ कुदरत नूं कुछ होर मंजूर होंदा है इंसान कुछ होर सोचदा लेकिन उस वक्त जिसम सानू 40 बंदियां नूं उन्होंने घर बिठाया जिन्हां च मैं भी सी ते उस वक्त मैनूं इक झटका लग्गिया कि अज मैं बिल्कुल खाली हाँ मेरे को कुछ नहीं है अगर यही पतंते मैं साल या 2 साल पहले कर लेंदा अज मेरे को दूसरा ऑप्शन होना सी काम ऑप्शन 2 वेख्या जी कितनी इस चीज नूं फिर मैं ना इस मौके नूं मैं जाया नहीं करन दित्ता ते इह गल बन मेरा कॉन्ट्रैक्ट सी जिहड़ा 12 तक खत्म हो रहा सी अगू नहीं होया ते मैं 16-17 तुहाडे नाल राबता कर बहुत नाइस सीखण वालियां गल्लां लभ जांदियां ने विच विच सानू और नईम साहब दी गल तों बड़ी वधिया गल लगी कि जे तुहाडा काम छुट गया ना तुसीं लिसन शुरू कर लो एवें शुरू कर लो खाम खा और यकीन कर लो तुहाडा ओह टाइम जिहड़ा जॉब विच सी फिर इह टाइम पतंते विच इह टाइम सोना बन जाणा है ठीक है मैं आरो साहब जी दे कोल जॉब खत्म हो गई है मैं उन्हें गुजारिश करांगा कि मैनू माड़ा जिहा फोन करो ताकि मैं इक स्ट्रैस खत्म करा टेंशन खत्म करा दूजा तुहानू लसेंस की क्लास च बिठा के तुहाडा लसेंस करावां ते तुसी सोचोगे कि यार यह जॉब छुट्टी बड़ा चंगा होया है अल्लाह करे इन दियां बार बार जॉबां छुट्टन जे मैं इहदा लसेंस कर लवां ठीक है ना सर जी आई इक रिक्वेस्ट सी कि इह चीज मैं तुहाडे नाल पहले भी अपना YouTube अपने
मतलब मकसद सिर्फ है के चलो अटैच तो देख लेकिन दूसरे देख किसी भरा का किसी भैन का फायदा हो सू ज्यादा खुशी हो मैं अक्सर देखता रहना क्योंकि मेरे नाल इतफाक किस तरह से कि मेरे एक दिन मेरी क्लास चल रही थी मेरे दोस्त आ गए सन मेरे को उन्होंने एक लड़का सी वो शायद किसी और पतंत वाले को पढ़ता से पा मनु शायद नहीं हूँ जेहन नहीं रहा लेकिन मैं उदो भी एक दो क्लिप देखे लेकिन मनु तो नहीं ऐसी कोई खास समझ आई तो पिछले महीने की गल है लंघ मेरे तो पहले तक रे अपना तैयारी पर करता उन्होंने डेट भी उन्हें डायरेक्ट लई है उन्होंने डेट भी छेवें महीने की मेरे ख्याल चौबी कि पंजी तरीक लभी है मैं जिस टाइम कल दसिया मेल के मैं क्लीयर करके आया सुबह मेरा पता चलेगा तो वो हैरान सी कि एडी जल्दी तैयारी किस तरह की थी फिर मैं उन्हों एक दिन बुला के मैं थोड़ी जी कॉल भी थोड़ी जी मैं चेक कराई मैं देख सारा किस तरह पढ़ा रहे लेकिन कहता हूं मैं पैसे भी दिते हूं मैं पढ़ना पैदा चलो लेकिन लेकिन गल करने का मकसद है कि जे अगर मेरे जहा बंदा 35-36 साल मेरी 35-36 साल का बंदा अगर थोड़े को इतने मुफ्त टाइम कर सकता है तो मुमकिन है कि जो साढ़े तो घट उम्र के बंदे ने तो इस तो भी जल्दी पिक कर इजीली हाँ बेशक इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट फिर एक एक शिगिरद के हिसाब न बड़े वहत करदे सी उस्तादां दे लोटे चुक चुक उन्हां दे पिछे पिछे फिरदे सी सर यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो ना यूट्यूब के ऊपर ठीक है जी तो यूट्यूब में क्वांटिटी मांगता तो एल्गोरिथम उसका वीडियो सजेस्ट करता लोगों के आगे ठीक है जी क्योंकि मैं यूट्यूब के रिलेटेड हूँ मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ मैंने भी स्टार्ट किया अभी लेकिन वो बात भाई की नहीं भाई की ठीक है जब आप छोटे छोटे क्लिप डाल दो एक मिनट के या कुछ सेकंड के या दो मिनट के मतलब के वो एल्गोरिथम ऑटोमेटिक वो सजेस्ट करता है अगर उस वीडियो आपकी एक वीडियो में अगर 10 लाइक आते हैं तो वो आपका यूट्यूब का एल्गोरिथम 20 को आगे सजेस्ट करेगा फायदा होगा बहुत शुक्रिया वो मतलब है कि जो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया या किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो किसी के आगे भी आ जाएगा हाँ ठीक है ठीक उसने ऑटोमेटिक उसके ऊपर वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा उसने ऑटोमेटिक क्लिक करना है और आपकी आवाज जो बंदा पहली दफा सुन ले वो तो कहीं जाएगा अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ साहिल साहब बैठे थे साहिल साहब फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने से नईम साहब के आने से और आप लोग ऑनलाइन है इसलिए मैं इससे ज्यादा चैट कर नहीं सकता मेरे लिए हर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है मुझे थोड़ा जेन पे बोझ भी है कि मैं इनको थोड़ा लेट कर रहा हूँ तो एक चाह सा है कि यार ये हमारे भाई इतने कीमती ये जा रहे हैं हमसे अभी बिल्कुल अपनी अपनी फिर दुनियादारी में तो मैं मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ आपको यादगार कर जाऊं इंशाल्लाह तो आप कुछ कहना चाहें फाइनली अपने भाइयों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं सर जी मेरा तो बस यही एक सजेशन है कि वो आपको मैंने पहले भी बताया ना आपकी तकरीबन हर बात जो है ना मेरे माइंड के अंदर फिक्स हुई हुई है ना जैसे आप कहते हैं कि यार अगर मेरे पास कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो एक ही लाइन में मेरे पास पड़े अगर कहीं और जाएगा तो वो अपनी लाइन खराब करेगा बिल्कुल जी जी एक मिनट मैं भी लूंगा आप इसके ऊपर और कुछ कहना चाहें साहिल साहब अपने भाइयों को जो के मीडिया पे आपको सुन रहे हैं जी अच्छा जी आवाज रुक जाती है इनकी थोड़ा सा शायद सिग्नल इशू है चले नईम साहब आप हाजिरी लगवाएं फिर मैं बोलूंगा एक मिनट और स्टूडेंट को क्लास में शामिल करेंगे जी ठीक फाइनल भाई क्या है कि बस जो बंदा आपकी जी 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 साहिल साहब बोल सकते हैं प्लीज मैं कह रहा हूँ मेरी तो बस यही दुआ है कि जो बंदे आपके साथ चल रहे हैं वो दिल से चल रहे हैं इंशाल्लाह और ये कहीं ना कहीं पे किनारे पे जरूर लगेंगे जैसे आप कहते हैं कि जो बंदा मेरे साथ पढ़ रहा है उसका पतंते मेरी जेब में पड़ा हुआ है आमीन देखा आज दो साहब और लेके बल्कि तीन लेके गए तीसरे साहब क्लास में आ नहीं सके तो देखे मैंने 3 लाइसेंस दे दिए नाजरीन अच्छा जी बिल्कुल
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खुश बाश रखे। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब हाजरी लवाओ फिर चलिए। सर जी मैं सिर्फ इतना कह रहा सी कि साहिल भाई दी भी गल ठीक सी कि मैं भी वो क्लास दे विच शामिल सी, तुसी कह रहे सी कि लसनस तुहाडा मेरे जेब दे विच, लेकिन तुसी सानू डायरेक्ट नहीं दिंदे, तुसी पुलिस वालों नू दिंदे, उन्होंने एक वैसा किया। या अल्लाह तौबा, क्योंकि मैं इत्थे दा पैदाइशी नहीं है, अल्लाह जानदा है। मैं एक दिन कह रहा सी स्टूडेंट इन्ना शुगर लांदा सी पिया कि अगर मन्नू पा लैंदे ना जदों इन्हां किताब बणाई सी मैं विच कम पा जाना सी। सर जी मैं किताब बनाने का भी पागल लगता है, इन्ने कन्फ्यूज वाले सवाल ते अजीब बेफजूल दे सवाल है। हां जी पर किताब वाले ने कारब नेरी वाले सवाल फाल्स ही कीते ने। लेकिन ये चीजें कि साडे वास्ते सवाल भी कौन सा थोड़े हैं, मुझे तो लगता है कि वो बंदा सख्त वेला था जिसने ये किताब सख्त वेला एग्जैक्ट जा और मुझे तो लगता है थोड़ा सा ज़हनी भी तो पागल था। ज़हनी भी तो वो जैसे कहते हैं ना जो राइटर होते हैं ना सिंगर और राइटर वगैरह ये चरस पे लगे होते हैं तब ऐसी गहरी बातें लिखते हैं। सर जी वो बंदा बीमार होता है तो उन्हें भी सवाल देते या कि इन्हें चपेड़ मारो मुंह दे। हाँ बिल्कुल उन्हें स्क्याफी मारो तो ठीक हो जाएगा स्थान तो शाक वाला पर तो आई फालतू है ना वो सवाल तो। चले जी माशाल्लाह मैं लास्ट पे एक मिनट लूंगा, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, जैसे भाई ने बताया कि जो भी हमारे पास आगे वो सारे इंशाल्लाह पास हैं। जैसे कि देखें रोज नाजरीन स्टूडेंट लाइसेंस कर करके जा रहे हैं। एक जमाना था जब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था और मेरी सारी फैमिली और मेरे दोस्त कहते थे कि ऐ जे वेले बंदे ते निकम्मे बंदे आइंदे होंदे जे, कि कल्ले बंदे नू लैके ते सारा दिन कापी पेंसिल लैके लगा रहिंदा, इस कल्ले बंदे ने तैनूं मतलब तनखाह देनी हर महीने। ठीक है फिर दो हुए फिर तीन हुए, 2012 की बात है। तो आज अल्लाह का शुक्र है एक दिन में तीन तीन पास हो रहे हैं, चे जाए कि मैं एक बंदे को एक दिन में पढ़ाता हूँ, एक दिन में तीन तीन पास हो रहे हैं। तो हम मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला देखता रहा हमारी नीयतों को और आपकी कोशिशों को, तो अल्लाह ताला ने कहा चलो यार दे दो, ठीक है ना जी। तो उसके तो बस अमरे कुन से काम हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं दो बातें करूंगा, एक तो साहिल भाई ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब किसी के साथ आप पढ़ाई शुरू करते हैं किसी भी टीचर के साथ तो बस फिर चलते रहें उसी के साथ पढ़ते रहें। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं वो मेरे साथ ही, ये भी मेरे जो साथ जो पढ़ रहे हैं ये मेरे साथ ही रहेंगे। और जो मीडिया पे दोस्त देख रहे हैं और वो ये कहें कि भाई मैं किसी और टीचर के पास पढ़ रहा हूँ, अब अली भाई के स्टूडेंट ज्यादा पास हो रहे हैं, छोड़ो छोड़ो मैं अली भाई के पास आता हूँ, नहीं भाई ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। वो जो आपके टीचर भाई हैं वो दिलो जान से लगे हुए हैं, क्योंकि जब टीचर बदलते हैं ना जी तो ये ऐसे ही है कि एक पौधा एक जगह से उखाड़ के आपने नई जगह पे लगाया तो जरूर उसके पत्ते सूखेंगे, ठीक है। नहीं वो भी सर एक मिसाल है बड़ी प्यारी सी है, वो कहते हैं ना अगर दो बेड़ियों पे टांगे रखोगे तो हमेशा खराब हो गए कश्तियों का पता नहीं इधर उधर चली जाएंगी। तो ये है ना कि जगह नहीं चेंज करनी, जिस टीचर के पास भी आप पढ़ रहे हैं वो सारे काबिले एहतराम है, खूब दिलो जान से लगे हो नियत से और आप इंशाल्लाह पास होंगे। देखिए उधर से छोड़ के अगर मेरे पास आएंगे तो फर्क पड़ेगा, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अंदाज चेंज हो जाएगा, वो तरीका निशानियां और की और मिक्स हो जाएंगी, मैं और निशानियां बताता हूँ वो और अपने से भाई सब जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं वहीं पे। दूसरी बात ये थी करनी भाई के छोटी सी बात है जरा तवज्जो से सुनना, जब आप क्लास में बैठ जाते हैं किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं क्लास में हर टाइम अपने टीचर को जज नहीं करना, ये बड़ी पते की बात है। हम क्या करते हैं क्लास में हर हर सवाल में अपने टीचर को जज कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं क्या टीचर पास है या फेल है। नहीं भाई कई सवालों में वो फेल है, आगे कई सवालों में वो छक्के मारेगा, क्यों जी नईम साहब पढ़ रहे हैं साहिल साहब पास हुए माय स्टूडेंट, कई सवालों में कोई निशानी नहीं, बड़ा बोर सबक बिल्कुल समझ नहीं आया, और कई सबक ऐसा कि एक लफ्ज से पूरा पेज आलो हो जाता है। तो टीचर को जज नहीं करना भाई आपको। सर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त इटालियन स्कूल है मैं पढ़ता यहाँ पे जी, तो अक्सर लड़के वहां पे कुछ ऐसे सवाल भी पूछते हैं हमसे कि उनको खुद नहीं पता होता। हाँ। वो कहते हैं हाँ ये हमें भी सोचने में आप मजबूर कर देते हो कि ये सवाल आपने पूछा, ये जाके हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद कल हम आपको बताएंगे। मुश्ताक बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, अच्छी बात करी
के ओवर सवाल भी नहीं होने चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि टीचर को जब आप पहले दिन क्लास लेते हैं तो आप ना चेक करना शुरू करते हैं, यार ये बंदा, आप खुद मरीज बन के आए, डॉक्टर बन के ना आए, और दिल में रेस्पेक्ट लेके आए। और यकीन करें जब आप रेस्पेक्ट और मोहब्बत से आएंगे, और जज नहीं करना आपने टीचर को कभी, बस आपने देखा, आइडिया लगाया कि बस ये टीचर ठीक है, पढ़ा मैंने, सुना, डेमो देखा, ठीक है, ओके है, ओके है। या पढ़ते पढ़ते एक महीने के बाद आपका जहन चेंज हो गया, यार मेरा टीचर तो एवं ही है, वो ठीक है, ऐसे नहीं करना। बस ये दो ही बातें थी। लास्ट बात ये थी, हम ले लेके बता सकता हूँ, शबाज साहब हैं, उस्मान साहब हैं, अमरजीत ये भी पास हैं, जनाब सलमान साहब पास हैं, जनाब मलिक, सरफराज साहब, मक्खन लाल साहब और नरेश साहब, ये सारे पास हैं। जो बाद में आना है वो भी पास है। आमीन आमीन। लो जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक भाई आपको भी।